आप एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कैसी है? अरे बिल्कुल खराब है आज, बहुत जुमला सरकार है। जुमला सरकार है फिर मिल जुमला न, तो जो ये अपने वादे में किए थे एक भी बात सही नहीं आई, एक भी बात सही नहीं। पहली बात यह है कि ये कहे थे कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा। हाँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए था अगर किए नहीं तो। इन्होंने गन्ने का पेमेंट करवाया नहीं? पेमेंट हुआ, कुछ हुआ बाद में, लेकिन जो वादा किया कि 14 दिन में पेमेंट होगा वो नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि बनेगा। हाँ, वो राम जन्मभूमि अगर इनको नहीं बनवाना था, हाँ, कानून के दायरे में था, तो ये हर बात के लिए समझदार हैं, लेकिन इसके लिए न समझदारी इन्होंने क्यों दिखाई। इनको ये वादा करना चाहिए था कि अगर कानूनन मंदिर बनने का फैसला हुआ तो हम उसको बनवाने में जल्दी करेंगे या बेहतरीन व्यवस्था। हाँ, तो फिर अगर इन्होंने वादा किया तो वो करना ही चाहिए, करना चाहिए था, नहीं तो कहना चाहिए कि कानून से अगर पास हुआ तो हम करेंगे। हाँ, ये भी बोलना चाहिए। तीसरी बात, किसानों का 1-1 लाख रुपया कर्ज माफ करने के लिए किए थे, वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किए। कुछ किसानों का किए, कुछ किसानों का, पहली बात। दूसरी बात, ये गलती किए कि जितने डिफाल्टर थे, जो आगे की सरकार करती रही, हाँ हाँ, जो गलती आगे की सरकार करती रही जिसका नतीजा आज भोगने के लिए तैयार है, हाँ, वही गलती इन्होंने किया। जितने डिफाल्टर थे उनका कर्जा माफ किया, और जो कानूनन अपना केसीसी रिन्यूअल कराते रहे उनका कर्जा इन्होंने नहीं माफ किया। ये विश्वासघात बहुत बड़ा किया इन्होंने किसानों के साथ, विश्वासघात। ये सही है कि गलत है, आप बताइए। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं, आप यहाँ, अगर आपने कानूनन ये कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, तो ये नहीं कहा डिफाल्टरों का ही माफ करेंगे, गैर डिफाल्टर का नहीं। आजमगढ़ से अखिलेश लड़ रहे हैं, तो अखिलेश की टक्कर का इनको आदमी अखिलेश के टक्कर का लगाना चाहिए, न कि एक फिल्मी स्टाइल का आदमी, एक फिल्मी स्टाइल आदमी जो आज तक फिल्मी दुनिया में काम किया, छोटे निरहुआ हाँ। छोटी दुनिया से काम करके हाँ। जो गाना गाया कि साया के नीचे लुकाएगी ने निरहू, ऐसे शब्दों का हाँ। जिसने प्रयोग किया वो आज 5-5 विधायकों के ऊपर का साहब हो गया। अच्छा, आज उसके अंदर 5-5 विधायक काम करेंगे, बताइए वो विधायक अगर क्या जीतेगा तब। हाँ, जीतेगा तब। हाँ, जीतेगा तो जीतने के लिए ही तो लड़ाया गया है, उसी के लिए प्रचार हो रहा है। 5-5 विधायक उसके अंदर काम करेंगे, वो विधायक अपने आप को क्या समझेंगे। जो काम छोटी सरकार की, उल्टा सीधा यही काम सबसे पहले मायावती ने किया और यही काम ये दोहरा रहे हैं अपनी। इनमें कोई खास बात नहीं रह गई, पहले ये पार्टी के हिसाब से बात करते थे। अरे भाई, जो जिस टक्कर का है उसको उस टक्कर का आदमी लड़ाना चाहिए, निरहुआ को लड़ा दिए। अभी एक बात और बताइए कि 2019 में ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन रह गई बात, इतनी सीट भाजपा नहीं पाएगी जितनी कह रही, मुंह पे सब कहते हैं, नारा सब लगाते हैं, 5-5 इनके पास हुड़दंग करने वाले आए, बजरंग दल, शिवसेना और भाजपा, और क्या है, अकाली दल, अकाली दल, इनके कहीं भी देखिए कहीं। हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि आप इस बार वोट किसको देना चाहते हैं? आपकी मर्जी, अगर बताना चाहें तो बताएं, नहीं बताना चाहते तो भाई बताएं। अब वोट बात की बात है तो मतलब नहीं बताना चाहेंगे। ना, हम नहीं वोट देंगे भाजपा को।